Put yeah. one line to you know, yeah, my family. It's like a beautiful song where we all are playing different instrument, yet we are in symphony with each other. Now this is over. This is This is I take my word I like Ketil <laughs> and I like Rajesh too. Yeah. It's white and white. No white. And black. No white. And black. <laughs> it's right and right. वेलकम बैक टू रेडियो सिटी इंडिया एंड टूडे इज गेट अन अदर इंटरेस्टिंग डे फॉर मी बिकॉज वी हैव सम इंटरेस्टिंग गेस्ट विद आस प्लीज वेलकम द कास्ट ऑफ ये मेरी फैमिली इट इज़ सच एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया अलग सा पूरा अलग राइट टेक्स मी बैक टू माई ओल्ड चाइल्ड हुड डेज ये कैसे आपके दिमाग में आया आइडिया या कैसे पिछ हुआ आपके लिए आइडिया ये दिमाग में तो हमारे नहीं, <laughs> नहीं. <laughs> हमारे आया? लेकिन आया uh... लेकिन आई uh, थिंक उन्होंने कुछ तो ऐसा देखा होगा कि हम फिट होते होंगे उन कैरेक्टर्स में इसलिए उन्होंने हमारे बारे में सोचा इन कैरेक्टर्स को लेकर स्पीकिंग ऑफ कैरेक्टर्स मैंने तो आपका प्रोमो देखा है पर जिन्होंने अगर नहीं देखा अभी तक प्लीज़ गो एंड वॉच पर जिन्होंने नहीं देखा आप प्लीज़ थोड़ा थोड़ा एलाबरेट कर दीजिए अपने कैरेक्टर के बारे में सो so okay. मेरे कैरेक्टर का नाम है संजय अवस्थी नाइन्टीज के uh, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय टेलीफोन एक्सचेंज में काम करने वाले इंजीनियर और सहज सरल जिंदगी और सहज सरल पिता सहज सरल पति करेक्ट और सहज सरल बेटा <laughs> तो इतने सहज और सरल है कि उसका नाम मिलाकर उनका नाम भी रखा हुआ है संजय संजय संज सहज <laughs> मतलब तो अवस्थी अवस्थी जो है उनके अवस्था जो रही है वो बहुत सहज रही है हाँ। <laughs> आप बताएं अपने बारे में मेरे कैरेक्टर का नाम है ऋतिका ऋतिका अवस्थी और um, ये बेसिकली जैसे 90s की कहानी है और हमारा परिवार है वो एक 90s का मिडिल क्लास फैमिली है राइट right. और um, ये कहानी है एक परिवार की जो बिल्कुल आपके और हमारी ऑडियंस के परिवार की तरह सिंपल है hmm. जिसमें एक मम्मी है एक पापा है भाई है दादी है एक बेटी है और बेसिकली रितिका की शी इज़ इन अ टीन एज फिफ्टीन सिक्सटीन वेर शी इज

टीन एज गर्ल और एवरी every, टीन uh, every hmm. must relate to it because ये सारी कोई बड़ी problems नहीं है कि कोई बहुत hmm. बड़े चक्कर में फंस गए और कोई बहुत बड़े कांड में फंस गए जिसका जवाब नहीं मिल रहा ये बहुत ही बेसिक hmm. life की जो uh, हमारी problems होती हैं जो बहुत छोटी छोटी होती right. हैं लेकिन हम उसे दिमागी तौर पर वंडरफुल जो व्हाट अबाउट योर कैरेक्टर सो आई एम प्लेइंग नीरजा अवस्थी मैं एक टीचर हूँ एक माँ हूँ एक पत्नी हूँ एक बहू हूँ और एक घर की एंकर कह सकते हैं इसे mm -hmm. क्योंकि सारा दारोमदार उठा रखा है जो अवस्थी जी हैं वो काम पर जाते हैं काम पर ये भी जाती है लेकिन फिर जब आती है तो बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर के खाने से लेकर पूरे घर को संभालना ये सब जैसे कि हमेशा हमारी माँ के सर पर रहा है वो होम मिनिस्टर जो हैं वो मदर ही रही हैं तो नीरजा भी होम मिनिस्टर ही है और कैसे वो अपने परिवार को लेकर साथ चलती है बाहर से एकदम सख्त है क्योंकि तो टीचर है तो उसके अंदर वो टीचरगिरी जो है वो कूट कूट के भरी हुई है और वो वो टीचर और माँ के बीच का जो बैलेंस है और टीचर और पत्नी के बीच का जो बैलेंस है क्योंकि कई बार वो अपने पति के लिए भी टीचर ही बन के रह जाती है <laughs> क्योंकि उन्हें सिखाती ही रहती है क्योंकि वो उसका मेरे ख्याल से प्राइमरी इमोशन है लेकिन वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती है और कैसे अम, कोई भी ऐसी सिचुएशन जब आती है जिसमें परिवार थोड़ा सा परेशानी में आता है हाउ

टीचर का रोल है पूरा टीचर का हाउ मच कैन यू रिलेट टू योर पर्सनल लाइफ बिकॉज इट इज़ सेट कि एक एक्टर को हमेशा कोई ना कोई अलग अलग किरदार निभाते हैं कभी आपने कोई हाउस वाइफ का किया कभी आपने कोई मे बी डॉन का रोल किया कभी कोई टीचर का रोल किया कभी कोई विलन का रोल किया कभी कोई सुपर uh, हीरो का रोल किया तो टीचर का जो रोल है हाउस वाइफ का जो रोल उसमें से आप कितना अपने आप को रिलेट करते हैं सी ऑनेस्टली नीरजा के जो कैरेक्टर के जो ट्रेट्स है ना hmm. उसमें मैं टीचर नहीं हूँ लेकिन उसके कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जिससे मैं बहुत रिलेट करती hmm. हूँ सबसे पहले तो वो बहुत ही प्रिंसिपल्ड है मैं hmm. बहुत ही प्रिंसिपल्ड हूँ असल जिंदगी में भी और आज नहीं मैं शुरू से बहुत ही प्रिंसिपल ट्रेट right. मैं सही और गलत मेरे लिए चीजें ग्रे नहीं है इधर ब्लैक और वाइट right. तो मुझे या तो चीज़ें पसंद है या ना पसंद है ये बीच का कोई रास्ता नहीं है मेरे लिए जैसे मुझे अः हेतल पसंद है तो पसंद है मुझे राजेश नहीं पसंद ये yeah, yeah, मेरी फैमिली <laughs> मैं बताऊंगा बाद में जो ही आगे शूट करना है तुमको मेरे ही साथ है ना सो दैट वाज अ जोक राजेश इज अ वेरी 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 गुड को एक्टर टू वर्क विद एंड वेरी वेरी गुड फ्रेंड सो या इट वाज अ जोक तो सेइंग कि मेरे लिए इस चीज़ से रिलेट कर पाना बहुत आसान था कि mm -hmm. uh, नीरजा बहुत ही प्रिंसिपल है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेकेंड इमोशन जब ऐसे बहुत से सीन्स हुए हमारे जहाँ आई कुल्फ इन दैट सिचुएशन एज अ मदर स्पेशली बिकॉज मेरी भी बेटी है right. तो वो जो एक बेटी के प्रति इमोशन होता है ना वो थोड़ा hmm. अलग होता है आप चीज़ें थोड़े अलग नजरिए से देखते हो sure. बहुत सी चीज़ों hmm. को लेकर इट इज़ नॉट अबाउट बेटी है तो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स होकर देखना है वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ एज अ मदर आई एम अ वेरी वेरी एडवांस थिंकिंग मदर बट एज अ डॉटर यू आर लिटिल मोर सेंसिटिव बिकॉज वो लड़की है तो उसकी सेंसिटिविटी क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा होगा hmm. तो ऐसे सीन्स को भी जब हम ऐसे कुछ सीन्स yeah. हमने किए हैं yeah. जिसे हैंडल yeah. करते वक्त वो सेंसिटिविटी ऑटोमेटिकली आई परफॉर्मेंस right. में भी और फील yeah. भी हुई क्योंकि आई कुड रिलेट टू इट दैट अगर मेरी बेटी अभी पंद्रह साल की उम्र में होती तो मैं ये सिचुएशन उसके साथ कैसे हैंडल करती इफ़ शी वॉज फेसिंग इट सो या इट हेल्प्ड मी एंड आई कुड रिलेट टू दैट इमोशन वेरी मच बिकॉज आई एम अ मदर ऑफ अ डॉटर वेन यू पुट आउट योर फिफ्टीन ईयर ओल्ड सेल्फ एज अ कैरेक्टर Uh, and versus when you guys put out your super experienced millennial characters how do you see today's gen z reacting upke pure content pe? Be it anything abhi sare shows ya mm -hmm. thinking about ye family so ye meri family may see uh, it is not about that things have changed drastically right there are certain emotions which mm -hmm. आज की जनरेशन कहीं ना कहीं लैक करती है बिकॉज hmm. uh, वो जो ह्यूमन एक टच है एक फील है एक इमोशन है ना, और कहानी hmm. ये हर किसी की एक ही है जर्नी hmm. एक ही है लगभग <laughs> चाहे आप किसी भी एरा में चले जाएं, और ये तो दस साल में हम टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे बढ़ गए हैं लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि ऐसा ह्यूमन हम बहुत अलग हो गए और हमारे पंख निकल आए या हम अचानक से हम वापस पूछ आ गई यू नो वी हैव अपडेटेड आर सेल्फ बट कहीं ना कहीं ये मेरी फैमिली में हम लोग उस इमोशन से हमेशा लोगों को जोड़ करके रख रहे हैं sure. जो बेसिक है जो mm -hmm. एक रिक्वायरमेंट है right. और ये जब तक मतलब सृष्टि है mm -hmm. और जब तक यू नो ह्यूमैनिटी रहेगी आई थिंक वी विल बी हैविंग द सेम ह्यूमन इमोशन एंड स्टोरी टू रिलेट टू तो सी एज अ परफॉर्मर हाँ मैं हेतल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूँ तो बहुत सारी चीजें इसके लिए नई थी बिकॉज वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं अब Correct. Mm. और हम लोगों के लिए वो बहुत सारी चीजें जो हो चुकी हैं हाँ नोस्टैल्जिक right. थी सो right. परसेप्शन so, का ही खेल mm. है कि क्या कि ये किस परसेप्शन से जेंजी उसको देख रहा है और mm. किस परसेप्शन से मिलेनियल उसको देख रहे हैं बस उतना right. ही फर्क है अदरवाइज बेसिक सूत्र जो है mm. वो एक ही है

कि फिर उस इरा में जाना और आज के जमाने में टू वॉच समथिंग लाइक दिस ऑन एन ओ और अपने फोन पर देखना आया वेब सीरीज आजकल इतने सारी ओ, इतना कंटेंट है हमारे hmm. पास ऑफ वेरियस द ग्लोब बट टू वॉट समथिंग एंड ऑल्सो फॉर पीपल लाइक जो मेरी नानी केज के एज के हैं या मेरी मम्मी के एज के हैं या अभी लेट फिफ्टीज फोर्टीज थर्टीज में उनके लिए तो एक बहुत स्पेशल नॉस्टाइल राइड होने ही वाली है सो आई एम नॉट श्योर कि हाउ मच दिस क्वेश्चन बट लेट मी थ्रू इट आउट टू यू ट्यूब जब हम कैरेक्टर्स ऐसे प्ले करते हैं जो रिलेटेबल नहीं है लाइक जैसे आपको अगर कुछ प्ले करना हो फॉर जस्ट फॉर एग्जाम्पल वेन यू हैव टू प्ले रोसेश इन सारा भाई वर्सेज सारा भाई दैट मे और मे नॉट हैव बीन योर एवरी डे कैरेक्टर बट सच कैरेक्टर्स एज यू नो मे बी अ फादर और अ हजबेंड सम विच वी लिव ऑन अ डेली बेसिस लाइक यू फॉर इंस्टेंस अ मदर और अ वाइफ हाउ डिफिकल्ट इट इज़ और हाउ इजी इट इज़ टू गेट इन टू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जो आप जी रहे हैं ऑलरेडी फो मी एज एन एक्टर मैंने हमेशा जो कैरेक्टर नहीं भी जिया है ना लाइक hmm. like, जब मैं पहले जो मेरे जब मैंने कुमकुम -कुम किया फर्स्ट right. तब आई वॉज रियली यंग टू प्ले दैट कैरेक्टर जिसकी शादी भी हो चुकी थी उसको बच्चे भी हो गए थे शो में एंड आई वॉज फार फ्रॉम गेटिंग मैरिड तो मैं एज अ परफॉर्मर जब परफॉर्म करती हूँ तो उसमें एक्सपीरियंस के साथ साथ एक चीज मेरे लिए मायने रखती है कि मैं अपने आप को उस सिचुएशन में रखती हूँ एंड इमेजिन करती हूँ इफ आई वॉज देयर हाउ वुड आई रिएक्ट तो मोर देन एक्टिंग आई बिलीव इन रिएक्टिंग आई रिएक्ट As per the situation that I am put in as the character, here the advantage is that with experience of life mm -hmm. and having played certain roles in my life, Correct. actually, mm -hmm. um apart from just reacting, there there are certain relatability factors. Mm -hmm. jo jaise agar माँ का इमोशन जो है, अगर मुझे कोई रोने का सीन होता है जिसमें बच्चे से लेवल्ड कुछ होता है, तो वो इमोशन इमीडिएटली अपने आप आ जाता है, because as a mother I get overwhelmed very quickly. तो वो हेल्प करता है राइट right. क्योंकि उससे डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होता है वो इमोशन समझने में ना हेल्प mm. हो जाती है पहले मैं इमेजिन करके करती थी अब इमेजिन नहीं करना पड़ता है अब सिर्फ मेमोरी द मेमोरी लेन जाते हो और आप वो एक्सपीरियंस mm. को समझते हो कि जब मैंने ये एक्सपीरियंस किया mm. था इमोशन yes. तो मुझे ये फील हुआ था एंड दैट हेल्प्स इन पोर्ट्रेइंग दैट कैरेक्टर इट्स बेसिकली रीलिविंग दोज यू डोंट रीलिव बट दैट रिलेटेबिलिटी इज इमीडिएटली देयर एंड यू डोंट हैव टू रियली एक्ट

we are in 2023. Right. so try to remember people you have met or seen during 90s. right? that how, like i'll, uh, i do not have the photograph, but if i'll get a photo. i exactly look like my mama in this. oh, wow. so if both the photos are put together, mm. it looks the same now. Mm. so i imagined his body language. i never imagined my father's body language. i always imagined him. right? because

Uh, मुश्किल जो एक्टिंग पर से था कि हम कैसे डिलीवर कर रहे हैं हम डायलॉग्स कैसे बोल रहे हैं right. कितना नहीं एक्ट कर रहे कितना नहीं एक्ट करना करने की बजाय नहीं एक्ट करना क्योंकि हम हम अगर बोल भी रहे हैं तो ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हम डायलॉग बोल रहे हैं हुँ. हम बात ही कर रहे हैं जैसे आपसे कर रहे हैं वैसे ही बात कर रहे हैं sure. तो वही चीज हम लोगों ने वहां मेंटेन की वी टू ब्रेक डाउन मेंॉड ऑफ थिंग बिल्ड यू नो इन बिल्ट जो मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी थी एज एन एक्टर की हम उसको हमको निकालना था आई मीन आई रिमेंबर आई डिड एन एड वंस एंड आफ्टर द रिहर्सल जो डायरेक्टर है वो आया मेरे पास कह रहा राजेश बहुत अच्छा किया है तुमने लेकिन अभी जो तुमने किया है इसका 100% कम कर दो सो वेन आई मेट यू भी आई रिमेंबर बता रहा था कि जितना भी जो सोचा है या हमने किया है ना अपने लाइफ में अब ये समय आ गया कि 100% कम कर दो सो so, 100% कम मतलब कि अब आप जो हो वो रहो Right. अब आप बनाओ मत अब hmm. आप जैसे कहा जा रहा है अगर मैं रितिका को बोला रितिका रितिका यू नोट देर लिटिल पेसी जस्ट दैट रिदम इज लिटिल स्लो सो ये, you know, right. yeah. hmm. so, hmm. ये पूरी क्रिएटिवली जो स्क्रिप्ट hmm. जब मिली ना उसका इनहेरेंट रिदम बहुत सही था And mm. that was where we had to put an effort to catch that. Yeah. Once you know that rhythm, then the mm. story flows. Mm. And that's how it happened. Wonderful, wonderful. So, like you mentioned, this uh, family comes from the eight years pehle wala show, jo hai, for mm. the audience who is not aware of it. Ji. So, uh, what are the connections or what are the dots that they can join for people who have seen that show or who have So, here uh -huh. I request yeah. everyone. <laughs> <laughs> ये बहुत इनफैक्ट थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग दिस क्वेश्चन अक्रॉस बिकॉज ये वो वक्त है जब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 142 करोड़ की आबादी में एक ही फैमिली रही है right. इसमें से एक फैमिली थी mm -hmm. टाइटल वही है mm -hmm. अनुभव वही है mm -hmm. एरा वही बट उस एरा में बहुत कहानियां हुई हैं हर किसी की कहानी एक जैसी नहीं हो सकती Correct. है सो दिस इज लाइक

90's आप अपनी फैमिली 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 को हमारी हाँ, में मिलाइए ये हाँ, अच्छा, अच्छा, ये 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 मेरी ये है। मेरी बस जब अपने आप का फोटो देखती थी मुझे लगता था आई एम सींग माई मदर फ्रॉम नाइनटीज सो इट्स जस्ट दैट नोस्टैल्जिया एंड दैट कनेक्टिविटी दैट्स दी ओनली कनेक्टिंग डॉट दैट यू आर गोइंग टू सी नाइनटीज यू आर गोइंग टू परिवार का प्यार परिवार की सिचुएशन और बहुत ही सिंपल साधारण सिचुएशन में भी कितना मजा आता है देखने mm -hmm. में वही हमारा भी सीजन है इट इज अग सीजन इट इट है सेम नेम बिकॉज Your family is also family. Our family Absolutely. is also family, and Absolutely. his family is also family. So, Every not, family, is family. so I would request them. Do not connect the dots. Actually, but yeah. start another dot. Right. You know, wow. And, and then let's make a line. Let's from make there. a line yeah. out of it. Yeah. Wow. I love how in sync yeah. you guys yeah. are. Yeah. <laughs> yeah, because see, we. Because he is our family. In sync, <laughs> yeah. to call in sync. Never yeah. seen a promotion this way. It's Too much that's fun. Right. It's too no, right. much. No, no, no. I that's what I request. उस नजरिए से जो देखना hmm. चाह रहे हैं लोग ना उस नजरिए से ना देखें यू नो बिकॉज ये एक बहुत ही फ्रेश परफॉर्मेंस uh, hmm. के लेवल पे स्क्रिप्ट के characters लेवल for पे कैरेक्टर्स के are लेवल totally पे different. बहुत ओरिजिनल लाइन totally बोल रहा हूँ वी आर डिफरेंट <laughs> का, काफी ओरिजिनल है प्लीज इट्स राइट डो नॉट जैसे मेरी मेरी फेवरेट ओरिजिनल लाइन पता है है? क्या जो आज अभी अभी देर पहले ये शहर है जो कभी सोता नहीं अगेनिजिन अच्छा बीस साल के बाद यह लाइन फेमस होगी आपको पता ही नहीं है हाँ वेरी राइट 2023 में में हम तो रहे वेरी यंग टैलेंट हुआ स्टिल बर्डिंग हाउ वज इट वर्किंग विद पीपल एक्सपीरियंस टूगेदर आपका अनुभव आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इनके साथ शूट करके पर्सनली और प्रोफेशनली वर्किंग विद डेम इनिशियली आई वॉज ऑनेस्टली वेरी नर्वस बट नर्वसनेस बींग क्योंकि एक फैमिली की कहानी है केमिस्ट्री होना बहुत जरूरी है और जैसे लोगों ने uh, यह मेरी फैमिली सीजन वन को इतना प्यार दिया है sure. और जब हम उनके लिए एक नया सीजन लेके आ रहे हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और थोड़ी नर्वसनेस भी है बट hmm. कहीं ना कहीं उन्हें डिसपॉइंट ना करने के लिए हम हमारे एफर्ट और हम वी गो आउट ऑफ आर वे पुट इट आउट देयर ड्यूरिंग रीडिंग Uh, we had our sort of fair share of uh, you know like nervousness uh, trying to break the ice hum koshish kar rahe hain baat kar rahe hain during the scenes it made it very easy they have made it very easy uh, ek family ki kahani hai is wajah se सबका साथ में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है hmm. हमारे जितने भी creatives हैं उन सब ने बहुत ज्यादा uh, contribute uh, किया है Correct. And yeah, I mean, we can't describe what we have right now, hmm. we can't describe the bond that we share, but it would be described when you see us on screen. So I think that is what we are here for. So when you watch it on screen, you'll understand what we have created. But it has been great and it would never be the same for me if they weren't uh, here hmm. with me today. So yeah, they have made it very easy. When oh. kuch ki hai, so, dono ne not Mummy no, <laughs> <ne? It laughs> papa ka <laughs>

तो जी उनके साथ काम कर कर तो मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं और बहुत चीज़ें आसान भी कर दी है मज़ा आ गया काम करके बिल्कुल I I I I mean, I, I wish, I mean, uh, that's what I felt we we only had had luggage, we'd never had baggage. Yeah, <laughs> ये, <laughs> ये, ये, <laughs> it's, a, it's a word, it's a word. Trust, me, trust me. <laughs> कि हम लोगों के कोई प्रेशर नहीं था हाँ. कि किसी चीज को हम प्रूव करने निकले हैं हाँ. हम एक एक्टर हैं hmm. हम कलाकार हैं एक क्रिएटिव टीवीएफ का और सनशाइन का एक बहुत ऑनेस्ट इनपुट है right. किसी और बिलीफ है इसमें वी आर जस्ट माध्यम जहाँ से ये चीज़ों को हमको कन्वे करना है एंड दैट इज वेयर वी जस्ट ट्राई टू रीबिल्ड इट बिकॉज वी हैड लेस टाइम टू शूट सो हमको उसी 19, 20, 25 दिन में हमको सारी कहानी कहनी है सो वी वर अलर्ट वी वर मोर फोकस्ड

किस लेवल पे अगर सही तरीके से इसको ग्रूम किया जाए यू नो एक्टिंग में दिस गाय यू कैन जस्ट गो एनी वे सो इट्स इट वॉज दैट दीस गाय नर्वस अबाउट डूइंग थिंग्स विद अस बट वी ऑल्सो वेरी अलर्ट विद पीपल क्योंकि ये लोग आपको एट टाइम्स ऐसे yeah. रिएक्शन देते हैं ना कि अगर आपने मिस कर दिया ना तो आप ही बेफूफ दिखेंगे स्क्रीन पे पुट वन लाइन डू यू नो ये मेरी फैमिली इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल सॉन्ग वेर वी ऑल आर Playing different instrument yet we are in symphony with each other. Now, this is over. This, <laughs> is, over. this <laughs> is over. This is lines. <laughs> so, I take line. my word that I like Etel <laughs> and I like Rajesh too. <laughs> yeah. It's white and white. No white and black. No white and black. <laughs> <laughs> it's, white and black. it's white and white. <laughs> lovely, lovely. This is going to be my promo now. This is oh, <laughs> yes. a beautiful, beautiful, beautiful line. Beautiful line. But I keep on doing that. This, uh, I wish I could have written all these lines here. Awesome. This is fantastic. It was such a fabulous time with all these three. प्लीज़ गो एंड वॉच ये मेरी फैमिली ऑन अमेजॉन मिनी टीवी और अगर कुछ ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब करें रेडियो सिटी को टिल देन से